कल करवा चौथ है, करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की मंगल कामना के लिए रखती हैं। ऐसे में अब बात करते हैं छलनी की। करवा चौथ के त्यौहार में छलनी का क्या महत्व है, क्यों महिलाएं छलनी में दीपक रखकर चांद को देखती हैं और फिर अपने पति का चेहरा देखती हैं, इसी से जुड़ी दिलचस्प और ख़ास जानकारी हमें पंडित जी देने वाले हैं। तो बताइए पंडित जी, छलनी का क्या महत्व है? बड़ी सुंदर सुंदर छलनियाँ आजकल मार्केट में मिलती हैं, तो छलनी क्यों इतनी ज़रूरी होती है करवा चौथ के व्रत में? देखो, करवा चौथ में बहुत सी महिलाएं छलनी में दीपक रख कर चाँद को देखती हैं और फिर पति का चेहरा देखती हैं। इस छलनी का महत्व करवा चौथ में सुनाई जाने वाली वीरवती की कथा से जुड़ा हुआ है। वो कथा आप लोग सुनना चाहेंगी? चलिए। बहन वीरवती को भूखा देख उसके भाई ने चाँद निकलने से पहले एक पेड़ की आड़ में छलनी में दीपक रख करके चाँद बनाया और बहन का व्रत खुलवा दिया। वीरवती ने जब छलनी के पीछे वाले दीपक को देखा तो उसे ही चाँद समझ लिया और अपना व्रत खोल दिया। इसके बाद वीरवती के पति का निधन हो गया। जब वीरवती को सच्चाई का पता चला तो वो काफ़ी दुखी हुई और पति के मृत शरीर को अपने पास ही उसने रख लिया। और कथा तो ये भी है कि उस मृत शरीर को उसने ऐसे ढंग से रखा ताकि वो मृतक शरीर खराब न हो, और उसने एक साल तक अपने साथ उसे रखा। एक साल के बाद जब फिर करवा चौथ का व्रत आया तो वीरवती ने एक बार फिर विधि पूर्वक करवा चौथ का कठिन व्रत किया और पूरे नियम का पालन किया। इससे माँ प्रसन्न हो गई और वीरवती के पति को जीवन दान मिल गया। यही कारण है कि सुहागिन महिलाएं छलनी और दीपक को लेकर उगते चांद को देखती हैं ताकि उनके साथ किसी तरह का छल न हो। छल न हो इसलिए छलनी ही हाथ में रहती है, उनकी पूजा विधि पूर्वक संपन्न हो सके। छलनी से छल होता है इसलिए छलनी को महिलाएं स्वयं ही हाथ में ले लेती हैं ताकि छल की संभावना न रह जाए। जय माँ विंध्यवासिनी।